उज्जैन में दो दिनों के भीतर तीन वीडियो सामने आए हैं जिनमें दो जगहों पर मनचलों को सबक सिखाया जा रहा है, तो वहीं एक तीसरे वीडियो में एक प्रेमी जोड़े की शादी को रुकवाने आए परिजनों की वकीलों ने ही पिटाई कर दी। उज्जैन के तीन वीडियो इन दिनों सोशल साइट पर खूब वायरल हो रहे हैं। तीनों वीडियो पिटाई के हैं, जिसमें दो वीडियो में मनचलों को सबक सिखाया जा रहा है, तो वहीं तीसरे वीडियो में एक प्रेमी जोड़े की मदद करने के लिए वकीलों का एक पक्ष ही आगे आ गया और युवती के परिजनों की कोर्ट परिसर में ही पिटाई कर दी। नाम बता तेरा, नाम बता। प्रकाश मालवी, प्रकाश मालवी। रेंदर एक खून आ गया उसके कान से। बोल सही साइड में क्या करने का भाई, एक मिनट। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्या करा था तू? ताजा वीडियो एक युवक के साथ मारपीट कर उसे गंजा करने वाला है, जिसमें आगे से महिला को परेशान न करने को नसीहत दी जा रही है। क्या नाम है तेरा? नाम बता तेरा, नाम बता। प्रकाश मालवी, प्रकाश मालवी। रेंदर एक खून आ गया उसके कान से। बोल सही साइड में क्या करने का भाई, एक मिनट। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्या करा था तू? जैसे ही वायरल वीडियो की जानकारी उज्जैन एसपी मनोहर वर्मा को मिली, उन्होंने तत्काल ही मामले की जांच के आदेश देकर एक टीम गठित कर दी। दरअसल छिंदवाड़ा की रहने वाली एक युवती उज्जैन में काम करती है और कुछ दिनों से छिंदवाड़ा का ही रहने वाला एक परिचित युवक उससे परेशान कर रहा था और जबरन शादी का दबाव भी बना रहा था, जिसकी जानकारी हिंदू संगठन के लोगों को लग गई और इसके बाद यह पूरा वाकया हुआ। हाँ, सुदामा नगर से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर एक महिला रहती है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है। उन्होंने अभी आकर शिकायत की कि उनका एक पुराना परिचित लड़का उनको छेड़खानी कर रहा है और शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है, पीछा कर रहा है बार बार। तो उनकी इस रिपोर्ट पर अभी 354D, 354, 506B का मुकदमा कायम किया है। उसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ फ़ोटो और वीडियो भी जानकारी लगी है, जिसमें उस लड़के को कुछ लोगों ने एक कमरे में उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसके बाल उतार रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी अभी मुकदमा कायम किया जा रहा है। कोई लड़की वाला मामला था और लड़का उसको लेकर आया था, उसके घर में घुस के मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ हुई लड़की के साथ, तो उसको थाने पे यहाँ पुलिस लेकर आई है और कार्यवाही हो रही है उस पर। वैसे वो वीडियो हमने नहीं देखा, हमारे पास जो वीडियो आया उसमें संगठन कोई भी कार्यकर्ता नहीं है, सब वो अलग ही लड़के हैं, कोई पता नहीं कहाँ से आए वो। हाँ बिल्कुल, हम बैठकर देखेंगे और यदि कार्यकर्ता होंगे तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। पुलिस दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज करने की बात कर रही है। युवक इस समय पुलिस कस्टडी में है, जिस पर महिला से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़, उज्जैन।